हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कोई महंगा फ़ोन लेने की सोच रहे हैं और आप पे उतने पैसे नहीं हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे EMI पे अपने सेट्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट पे काफ़ी अच्छे अच्छे सेट्स मिल रहे हैं लो EMI पे, तो जानिए कौन कौन से वो सेट्स हैं। उसके लिए आप अपने फ्लिपकार्ट के ऐप पर ऑफ़र पे क्लिक करें और मोबाइल एंड टैबलेट्स पे जाएं। तो दोस्तों देखिए, नो कॉस्ट ऑफ EMI लिखा हुआ है यहाँ, जिसमें सैमसंग का 2492 रुपये EMI, जो कि A9 है, आपने देखा होगा। ये सारे हम टेस्ट करेंगे आज, तो इसमें कौन काफ़ी सारे फ़ोन्स हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसमें नो EMI वाले कौन कौन से फ़ोन हैं जो आपके बजट में आ सकते हैं। सबसे पहले ओप्पो का सेट देखते हैं, इसमें ओप्पो में दो दिए हैं, क्रोज गोल्ड और एक गोल्ड ओनली। तो कोई सा भी सेट देख लेते हैं, गोल्ड का देख लेते हैं फर्स्ट लुक। ये 64 GB में दे रहा है 18,999 रुपये। अगर आपके पास कोई एक्सचेंज ऑफर है तो 13,500 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर के साथ नो EMI कॉस्ट। ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए नो EMI कॉस्ट, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें कोई EMI की कॉस्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात ये देखिए, नो EMI कॉस्ट इन्होंने यहाँ दी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये इस फोन में मेन चीज़ क्या है, इस फोन के अंदर 4 GB रैम, 64 GB रोम, एक्सटेंडेबल मेमोरी 128 GB तक है। स्क्रीन देख लीजिए 5.5 इंच की है, काफ़ी सारे कलर्स हैं और इसमें 3 कलर अभी अवेलेबल भी हैं। और अगर आप इसे EMI पे लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये आप EMI पे लेना चाहते हैं तो क्या बैठेगी इसकी EMI, मात्र 2,110 रुपये पर मंथ। अच्छा, EMI भी इसमें भी आपको डिस्काउंट दे रही है। ये डिस्काउंट क्या मिल रहा है कि देखिए, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको उसमें 5% और लेस मिल जाएगा, मतलब इसका मतलब बहुत सस्ता मिलेगा ये। अब इसमें कौन कौन से बैंक वालों के लिए EMI है, नो कॉस्ट ऑफ EMI, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, सिटी, HDFC, HSBC, ICICI बैंक, डिजिटल बैंक, कोटैक बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन बैंकों से आप इजीली ले सकते हैं, EMI नहीं पड़ेगी। तो हर बैंक की अलग अलग वो होती है। इसमें देखिए, अगर आप ये भी एक नोट करने वाली बात है कि आप कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि अगर आप कितने का बिल लेंगे। आप 3,165 रुपये की कॉस्ट देते हैं 6 महीने के लिए और 18,990 रुपये का ही पड़ रहा है। कोई देखिए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। उसी तरह अगर 9 महीने की EMI बनवाते हैं 2,110 रुपये की EMI बनेगी और ये 18,990 रुपये का सेट पड़ेगा। तो ये सेट बहुत अच्छा है और मेरे हिसाब से तो इसमें कोई बुराई नहीं है आजकल मार्केट में। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है देखने लायक। 4 GB की फीचर सबसे पहले देखते हैं, कोई भी सेट लेते हैं तो उसमें सबसे पहले इसके की फीचर देखे जाते हैं। 4 GB रैम, 64 GB रोम मिल रही है इसमें, 5.5 इंच डिस्प्ले, 13 MP का कैमरा, 16 का फ्रंट दे रहे हैं। आजकल सेल्फी का ज़माना है, इस हिसाब से फ्रंट कैमरा ही सभी को चाहिए। 3,075 mAh की बैटरी, 64 GB का प्रोसेसर है, मॉडल नंबर A061 है। कलर इसमें आपको काफ़ी मिल जाएंगे, अभी ये गोल्ड है, रोज़ गोल्ड भी है। रेजोल्यूशन मेन बात है, आप रेजोल्यूशन देखिए इसका, रेजोल्यूशन ठीक ठाक है, ज़्यादा उसे हम बढ़िया भी नहीं कह सकते पर ठीक है। डिस्प्ले कलर 16M है, अदर डिस्प्ले IPS डिस्प्ले, मल्टी टच, गोरिल्ला ग्लास 4, वैसे मार्केट में गोरिल्ला ग्लास 5 भी आ गया, एंड्रॉयड लॉलीपॉप है, हालांकि ये मार्शमेलो चलता है तो ये थोड़ा सा इसमें पीछे का दिया है। आइए अब दूसरे सेट की तरफ चलते हैं। दूसरा सेट हम कौन सा देख रहे थे, सैमसंग A9 Pro, इसे हम चेक कर लेते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 29,900 रुपये पर। घबराइए मत, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो ये आप लो EMI पे भी ले सकते हैं। लो EMI पे ये कितने का पड़ेगा, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि लो EMI पे ये आपको पड़ेगा मात्र 2,492 रुपये का सिर्फ। लुक बहुत अच्छा है, स्लिम है और ये 3 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक, गोल्ड, वाइट।
अब इसके अंदर क्या क्या है, ये भी 4 GB रैम है, 32 GB रोम, एक्सपेंडेबल मेमोरी 256 GB तक आप कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, और 6-inch डिस्प्ले, HD डिस्प्ले, 16 MP का रियल और 8 का फ्रंट दे रहे हैं, और 5000 की अनरिमूवेबल बैटरी है, 5000 mAh की क्वाल स्नैप ड्रैगन है, और भी अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, इसका रेगुलेशन थोड़ा सा बेहतर है आलमंड स्क्रीन, और इसमें मार्शमेलो ऑक्टा प्रोसेसर मिल रहा है, 2 प्रोसेसर लगे हुए हैं, क्लॉक स्पीड 1.8 एंड 1.4, इंटरनल स्टोरेज 32 GB, रैम 4 GB, इसमें USB कार्ड लग सकता है, प्राइमरी कैमरा 16 MP का है, जो कि आप अगर कंपेयर करेंगे S7 एज से तो उसमें 12 और 8 का कैमरा मिलता है, इसमें 16 का मिल रहा है और दूसरा कैमरा 8 का मिल रहा है, तो काफ़ी है, सेल्फी मोड वाइड है, काफ़ी अच्छा है, स्क्रीन रेगुलेशन काफ़ी अच्छा, और 4G सपोर्टेबल है, LTE दोनों सिम्स के 4G सपोर्टेबल है, एंड्रॉयड है और मार्शमेलो है, ओके। अगर आप सैमसंग में लेना चाहते हैं तो आप सैमसंग में ये 3 कलर्स इसके अवेलेबल हैं, आप जो देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सैमसंग C9 Pro, जिसकी मार्केट वैल्यू उससे थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, और ये 64 GB में भी अवेलेबल है, और इसकी वैल्यू जो है 36,900 रुपये की है, बैक साइड से एक ऐसा लगता है इस काफ़ी अच्छा है, और फ्रंट भी इसका बहुत अच्छा है, और ये 2 कलर इसके अलावा और अवेलेबल हैं, ब्लैक एंड गोल्ड। इसकी EMI पे अगर आप लेना चाहते हैं तो ये मात्र 1,790 रुपये का पड़ेगा, यस, और कैश ऑन डिलीवरी, 10 दिन में रिप्लेसमेंट वारंटी है, 10% डिस्काउंट भी मिलता है, एंड आपको इसमें जो रैम मिल रही है 6 GB रैम मिल रही है, 64 GB रोम, एक्सपेंडेबल 256, काफ़ी अच्छा है। इसके बारे में भी आप देखना चाहेंगे तो और मोर फीचर्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। अच्छा, इसमें 6 GB रैम है, जो आपने पिछले देखा था उसमें 4 GB रैम थी, इसकी 6-inch डिस्प्ले इसकी भी है, 16 का प्राइमरी कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों 16 मेगापिक्सल के हैं, और इसमें बैटरी 4000 mAh है, हालांकि इससे थोड़ा सा कम है, बट इसमें और क्या क्या एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है, सबसे पहले हम इसका एंड्रॉयड मार्शमेलो ये दे रही है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, क्लॉकवाइज स्पीड दे रही है 1.95 GHz, इंटरनल स्टोरेज 64 GB बहुत होता है उसके लिए, मुझे नहीं लगता कि आपको मेमोरी कार्ड लगाने की ज़रूरत होगी, पर दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है मेमोरी कार्ड का, रैम ही जब 6 GB है तो कोई दिक्कत नहीं है, 16 MP के कैमरे दोनों फ्रंट एंड बैक मिल रहे हैं, LED फ्लैश रियर है इसमें, इसका स्क्रीन रेगुलेशन और भी अच्छा है, 4G 2G 3G सपोर्टेबल है, एंड्रॉयड सैमसंग का है प्री इंस्टॉलर ब्राउज़र, और ये आगे भी अपडेट होता रहेगा। और उसके बाद चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट पर, जो देखते हैं सोनी एक्सपीरिया एक्सजेट, जो कि 39,000 का है, लुक बहुत अच्छा दिया है, फ्रंट पैक दिया गया है इसके अंदर, और 3 GB रैम है दी है, रैम यहाँ कम दी गई है उस मामले में, बट एक्सपेंडेबल मेमोरी 256 है, 5.2 डिस्प्ले है, 23 MP यहाँ कैमरा बड़ा है, और फ्रंट का 13 है, बैटरी थोड़ी सी उससे कम है, 2900 mAh की बैटरी दी गई है इसमें, आपको ड्यूल सिम है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेजोल्यूशन सेम है, गोरिल्ला ग्लास 4 है सब में, ये मार्शमेलो, क्लॉक स्पीड इसकी ज़्यादा है उससे, यानी कि उससे ज़्यादा अब तक जो आपने सेट देखे उनसे ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगा, प्राइमरी कैमरा फीचर्स बहुत है, 23 MP दे रहा है, जो कि अब तक के दिखाए गए सारे फोन्स में ये ज़्यादा बेस्ट है, अगर कैमरा के दीवान है तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छा है, नेटवर्क टाइप 4G 3G 2G सपोर्टेबल है, ब्लूटूथ भी है, सिम साइज नैनो सिम चलते हैं, इंटरनल मेमोरी 64 GB की है, बैटरी थोड़ी सी इसमें कम है, ये थोड़ा सा इसका माइनस पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अलावा, और फिलहाल जो नो EMI कॉस्ट पे हैं ये 11 सेट हैं, बाकी आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी अच्छे सेट्स हैं, और इनके बारे में आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू, मैं नेक्स्ट वीडियो
नोकिया के अपकमिंग सेट्स के ऊपर लेकर आऊँगा। बाय बाय।